हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको ये दे देते हैं कि इस तनाव की वजह से भारत में शेयर बाजार 200 अंक नीचे गिर गया है, जबकि तेल की कीमतें आज $2 से ज्यादा प्रति बैरल बढ़ गई। मतलब तेल अब महंगा होगा, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त। और इस बीच इस झगड़े का भारत पर क्या असर होगा, आप ये समझिए। अमेरिका और ईरान के झगड़े से भारत फिलहाल व्यापारिक और रणनीतिक घाटे झेल सकता है। भारत जरूरत का अपनी 80% तेल जो है वो आयात करता है, यानी खाड़ी की टेंशन से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ईरान से तेल आयात में भारत दूसरे नंबर पर है। ईरान से भारत को तेल सस्ता मिलता है, भारत डॉलर की जगह यूरो में भुगतान करता है। तो खाड़ी की टेंशन से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, चबहार पोर्ट की प्रगति भी थम सकती है, ये भारत पर असर। इसके अलावा तेल महंगा क्यों होगा ये समझिए। ईरान अमेरिका तेल निर्यात के प्रमुख देश हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान का जो तेल निर्यात है वो कम होगा। हार्मूज रूट से दुनिया का ज्यादातर तेल का व्यापार होता है। ये हार्मूज रूट क्या है अब ये भी समझ लीजिए। नक्शे के जरिए हम आपको दिखाते हैं कैसे इराक से ये हार्मूज रूट जो शुरू होता है वो देखिए, इराक से शुरू हो रहा है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ईरान, बिल्कुल इस हार्मूज रूट के एक तरीके से कह सकते हैं आप मुंह पर ईरान है। और अगर ये बंद होता है, हार्मूज रूट पर बंद किसी तरीके का ईरान की तरफ से लगाया जाता है, तो उसका पूरी दुनिया पर तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है। भारत को कहां से कितना तेल मिलता है ये समझ लीजिए। पश्चिम एशिया से 63%, अफ्रीकी देशों से 15% तेल हम लेते हैं अपना तेल के आयात का, 15% अफ्रीकी देशों से, दक्षिण अमेरिकी देशों से 10% और अमेरिका से 8%। तो भारत को कहां से कितना तेल मिलता है, बाकी अन्य देशों से 4% हम तेल लेते हैं। तो बड़ा हिस्सा इसका जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट से है, और अगर वहां कुछ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ना तय है।